गाइस, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड वापस से लेकर आई हूँ साइमन सेज का एक और वीडियो, और इस बार रोस्ट किया है इन्होंने स्ले पॉइंट को। और ये वाली रिक्वेस्ट मुझे भेजी थी संकल्प क्रेजी ने, आज का शाउट आउट जाता है संकल्प क्रेजी को। और गाइस, अगर आप लोगों को भी जो है शाउट आउट चाहिए तो जाइए, वेट किस लिए कर रहे हो, कमेंट कीजिए मुझे और बताइए अपने रिक्वेस्ट के और किसके वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए। और जो मुझे हमेशा कमेंट्स करते हैं, क्या पता उनका नेक्स्ट नंबर आ जाए। एंड गाइस, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि और किसके वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए है। या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोग को ठीक लगे। तो चलते हैं हम लोग हमारे रोस्ट के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग रोस्ट खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुनाइट ऑन साइमन शोज द सेकंड बेस्ट रिएक्शन चैनल ऑन यूट्यूब इंडिया, स्ले पॉइंट। कोई मंजिल है, फिर भी निकल पड़ा हूँ वीडियो अपलोड करने, शायद किसी को रोस्ट करना, वही कंटेंट है, वही मंजिल है। Hit it! Back in 2016, when roses were red, Simon started vlogging and nobody cared. Simon said, but nobody heard. Nobody gave a shit about this nerd. Welcome, everybody, welcome. Hello, thank you. समझो बेटा सार्केज़म। चैनल की ग्रोथ थी काफी स्लो एंड साइमन वाज फीलिंग सेम लाइक मी, बहुत ग्रोथ कम है। ही बोथ ही सेंट सम न्यूड्स बट देन नेक्स्ट डे ही गॉट द शॉट आउट फ्रॉम प्यूट्स। शुरू से आदित्य इसके साथ में है ना? समझो बेटा सार्केज़म। Now Simon was speaking more than Kabira. इस सांप का नहीं था कोई सफेरा। इतको रोस्ट किया before it was cool, और अब वो है वो YouTube चैनल जिसे देखता पूरा स्कूल। Welcome, everybody, welcome. समझो बेटी सार्केज़म। क्योंकि PUBG बैन हो गया है, राइट? आधे से ज्यादा इंडियन गेमर्स तो बेरोजगार हो गए, am I right? I hope they get depressed and lose all motivation in life. Anyway, I saw the Fauji poster. यार मतलब Shutterstock से एक इमेज उठाकर उसके ऊपर एक Instagram फिल्टर लगाकर we have a new
ऑल न्यू वीडियो गेम पोस्टर वेरी नाइस यार इतना लोअर फट तो तन्मय पट का कंटेंट ही नहीं होता है सी आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद कॉपीइंग ओके आई मीन कम ऑन लेकिन अगर आप किसी चीज को कॉपी कर रहे हो तो एटलीस्ट मेक सम एफर्ट्स टू मेक इट लुक डिफरेंट राइट अक्षय कुमार सर वी वांट यू टू बी इन अ हेरा फेरी सीक्वल ओके लेकिन आप इतनी भी मेथड एक्टिंग मत करो कि आप पूरा कैरेक्टर में ऐसे घुस जाओ रियल लाइफ में भी उसे अप्लाई करो ऐसे मत करो यार और क्या हुआ यार पिछले एक दो महीने में मैं आफ्टर ऑलमोस्ट टू मंथ्स राइट आदित्य टू मंथ्स बाद मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें हुई है like many corona cases have happened since then अरे हाँ हिंदुस्तानी भाव का अकाउंट निकल गया from YouTube and Instagram both सोशल मीडिया ने भाव को निकल के बोल दिया आउटडेटेड हो गया ना ये थोड़ा हाँ लोग से याद आया देयर इज एन एयरलाइन कॉल्ड लगता दिस हैज अ होल न्यू मीनिंग टू थोड़ा फिक्र मारोगा पूरा खानदान चुप जाएगा और क्या हुआ पिछले एक दो महीने में ओ यस हाउ कैन आई फॉरगेट द प्रोबेबली द बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ दिस ईयर विनोद क्या हुआ ऑक्सीमीटर 99 है और कहाँ से लाया है नहीं आ रहा है जस्ट फॉर सेफ्टी आप प्लीज वहाँ पे हाथ भी धो लीजिए सब सुख सुविधा है हमारे स्टूडियो में नहीं नहीं वहाँ पे नहीं वहाँ पे नहीं अभी आपके लिए वहाँ पे स्पेशल सीट रखा है मैंने वहाँ पे लिली सीरियसली यस यहाँ पे चेयर सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स को मिलती है आई एम सॉरी तो मास्क तो निकालो अपने थोड़े पिंपल्स तो बताओ कैमरा में नाइस वेरी नाइस वाओ ओके सो फाइनली स्ले पॉइंट ऑन माय चैनल आपको पता है आप लास्ट टाइम मेरे चैनल पे आए थे तब क्या हुआ था नहीं ओके गाइस आई एम हियर विद माय फेवरेट इंडियन यूट्यूबर्स एवरीबॉडी से हाय टू मी हाय कौन है आई एम साइमन अच्छा यू डोंट नो हाउ डज इट फील टू बी द सेकंड बेस्ट रिएक्शन चैनल ऑन इंडियन यूट्यूब फर्स्ट कौन है तू आई मीन ऑफ कोर्स अपने ही ऑडियंस से मीम्स बना के जो उन्होंने देखे हुए उसी पे दो लाइन का रिएक्शन देके उन्हीं को कंटेंट खिलाना एटलीस्ट वो तो नहीं करता एटलीस्ट मैं क्यूएनए वीडियोस नहीं बनाता ओके कैसा लगता है आपको दूसरों के कंटेंट पर रिएक्शंस देके व्यूज कमाने में कैसा लगता है कम से कम हफ्तों का रिसर्च तो जाता है इतना सारा वीडियो ये सब रिसर्च करके उसमें स्केच का सेगमेंट रहता है एक ही चेयर पे ग्रीन स्क्रीन लगा के बैठते नहीं है आप दूसरे यूट्यूबर्स का करियर खत्म कर रहे हो ये देखो इंडिया में हर चीज का तोड़ मिल जाएगा आपको सुबह मैंने यूट्यूब का एल्गोरिदम पकड़ लिया है हैक कर लिया है बस अपने यूट्यूब चैनल पर स्ले पॉइंट ने मेरे को रोस्ट कराया है 19 सेकंड पर उनकी लेटेस्ट वीडियो में 1 मिलियन वाली वीडियो में कोई भी बड़ा यूट्यूबर कभी भी किसी पर वीडियो बना देगा और करियर खत्म हो जाता भाई अब करियर खत्म कर देता छोटे यूट्यूबर का इतनी मेहनत करने के बाद ऊपर से कोई बंदा रोस्ट बना दे और बिल्कुल खत्म मतलब करियर खत्म ही एकदम से सो स्लिप पॉइंट एनी रिएक्शंस आप छोटे यूट्यूबर्स पर पावर रख के आप आगे जा रहे हो आपको पता है पर यहाँ हम एक छोटे यूट्यूबर का करियर बनाने भी तो आए
तुमने ठीक से रिसर्च नहीं की, एक साल से तो रेगुलर अपलोड चल रहा है बंदे के करियर, तो ठीक है इसका, इनफैक्ट मोस्ट व्यूड वीडियो है ये तो। नहीं 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 नहीं, वेट 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 अ मिनट, उसने एक साल से वीडियो डाले ठीक है, लेकिन उसका चैनल बेचारे का ग्रो नहीं हुआ ना कौन तभी। हाँ नहीं, और आपने ट्वीट भी किया है, आपने ट्वीट किया है कि एंड आई कोट, Based on the current scenario, a lot of upcoming YouTubers are going to take 6 to 7 years to hit a million subscribers. नहीं मतलब ठीक है, आपने अपने experience के हिसाब से लिखा होगा, मतलब talented लोग को इतना time नहीं लगेगा, but ठीक है, it's fine. तो तुम्हें क्यों इतना time लगा? हाँ, तुम्हें कितना time हो गया YouTube पे? वो पिछला वो Xavier's vlog कितने साल पहले आया था? वो सारे vlogs कितना time हो गया? ये तो उल्टा हो गया title के हिसाब से। ठीक है ना, मतलब मैं 3 साल पहले Xavier's के vlogs बनाता था। आप क्रिकेट के वीडियोस कुछ बनाते थे, सिली पॉइंट तभी आपका नाम था चैनल का, एटलीस्ट तभी आप सेल्फ अवेयर तो थे। आपने गेमिंग चैनल भी खोला है, स्ले पॉप, ठीक है, बड़े बड़े लोगों से भी गलतियां हो जाती है, राइट? बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने उसका नाम प्ले पॉइंट क्यों नहीं रखा? कहां से ऐसा रिएक्शन तुम्हारे कोई वीडियो देख के भी आता हमें, बट ठीक है, हम लोग ना थोड़ा क्रिएटिविटी डालते हैं। साइमन सेस से साइमन सीज, साइमन सेस से साइमन प्लेज, ये बेसिक काम हमसे नहीं होता। ये क्या साइमन शोज, कुछ दिखाया तो नहीं अभी तक। हाँ, क्या शोज? वो मेरा कैमरामैन कार्तिक है वहाँ पे, वो शूट कर रहा है आपका रिएक्शंस, उसको आप मेन पॉइंट पे लात मार सकते हैं क्या? मजा आएगा ना, स्ले पॉइंट मेन पॉइंट पे लात मार रहा है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन स्लेपोर्ट ने भी कैरी मिनाटी पर एक रोस्ट वीडियो बनाया था 3 साल पहले, लेकिन उन्होंने बाद में वो वीडियो डिलीट कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, आई मीन नॉट एवरीबॉडी हैज बॉल्स एज बिग एज साइमन सेज, राइट? कभी कभी मुझे थोड़ा बैक पेन हो जाता है इनको कैरी करते करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेपोर्ट प्लीज, मैं आपसे थोड़ा एंथुजियाज्म एक्सपेक्ट करता हूँ, ओके? ये YouTube फैन फेस्ट का रेड कार्पेट इवेंट नहीं है, यहाँ पे प्लीज हगे मत, ओके? प्लीज। मैं वैसे आपको इस वीडियो का अनलिस्टेड लिंक भेज दूंगा, ओके? आप बता देना कौन से पार्ट एडिट करने हैं, प्लीज डिलीट मत करवाना वीडियो, ओके? ठीक है। रिसेंटली आपके वीडियोस के थ्रू एक वायरल ट्रेंड पैदा हुआ, ओके? क्या था उसका नाम? विनोद, हाँ विनोद। तो आपको स्टीरियोटाइप या मिथ्स में ऐसा बिलीव करते हो क्या? मतलब फॉर एग्जांपल अ मिथ, आई डोंट बिलीव इन इज मिथ फैक्ट बिकॉज़ ही इज नॉर्मी, ओके? बट अ मिथ आई डू बिलीव इन इज दैट लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ओके? तो आप कहां जा रहे हो? अरे अरे, मर्च तो प्लग करके जाओ, मर्च प्लग करने के लिए आए थे ना? मतलब कैरी मिनाटी और ग्रेटा थनबर्ग को पहले खुद का एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए, फिर दूसरों की एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए, राइट? लेकिन इस बार कैरी मिनाटी ने बिल्कुल सही कहा है, हर बार उसको बिना लॉजिक के रोस्ट मत किया कर। पता है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? पूछा मैंने तेरे को मादर, वीडियो ये सब रिसर्च करके उसमें स्केच का सेगमेंट रहता है, एक ही चेयर पे ग्रीन स्क्रीन लगा के बैठते नहीं है हम लोग। और एक हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुमको तो पता है ना कैसा लगता है रिएक्शन दूसरों के कंटेंट पे रिएक्ट करने पर। नहीं मतलब एंटरटेनिंग भी होना चाहिए ना वीडियो, लेकिन ठीक है, ओके। Bruh.
जाना प्लीज। सुपर्ब सुपर्ब। अच्छा मेरी थिंकिंग क्या थी कि शायद साइमन जो है ना रोस्ट कर रहा है स्लिप पॉइंट को, लेकिन वो ना इक्वली था, ठीक है, वो जैसा लगा कि जैसे स्लिप पॉइंट ने ज्यादा रोस्ट कर दिया। बट शो बहुत 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 बढ़िया था, बहुत क्रिएटिविटी थी, बहुत ही तब क्या ही बोलूं, बीच में रिएक्शंस का बोलते ऐसा लगा था जैसे ना वो मुझे ही पॉइंट कर रहे हैं। एंड यस, वीडियो भी वैसे उतना एंटरटेनिंग होना चाहिए, तभी देखने में मजा आता है, नेचुरली रिएक्शंस निकलते हैं, ठीक है। मैंने बहुत 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 एंजॉय किया है। तो चलिए वीडियो खत्म करने का टाइम हो गया, और आप लोगों को पता है क्या करना है, अगर आप लोग को ही पसंद आया वीडियो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड साइमन सेज के फैंस के साथ में, स्ले पॉइंट्स के फैंस के साथ में भी। एंड यहां तक देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, फैमिली वाली बात है, जल्दी से आप लोग जो है ना, मतलब अभी वो जैसे बताया ना साइमन ने कि बहुत स्लो स्लो ग्रो कर रहा है, तो स्लो स्लो ना करें, जल्दी करवाएं। एंड मुझे यहां तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।